और कुछ मिले ना मिले, शांति जरूर मिलती है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज़ डे 4 ऑफ माई गोवा ट्रिप। वी आर ऑल सेट फॉर टुडे। ये हमारे बाइक्स रेडी हो गए। सो आज का प्लान है कि जाना है साउथ गोवा। साउथ गोवा में विल बी गोइंग टू अगोंडा बीच। अभी बहुत भूख लगी है। फर्स्ट वी वॉन्ट टू डू ब्रेकफास्ट। सो अभी बाकी की बातें बाइक पर करते हैं। ये सुनीव की बाइक है और इसकी चेन रस्ट हो गई है। मेरे पास ल्यूब है। अभी हम लोग निकल चुके हैं साउथ गोवा के लिए। साउथ गोवा इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम वास्को। अभी बज गए 9:30। वी विल रीच बाय 11 AM। ब्रेकफास्ट के लिए उठने का प्लान है। लेट्स सी। सुबह इतना अच्छा सनराइज देखने मिला ना। जहाँ पर आई वॉज स्टेइंग वहाँ पर बेस्ट पार्ट इज यू कैन सी सनराइज एंड सनसेट। हाँ, सामने ही गाड़ी रहेगी। हाँ, फिर हवा डालनी पड़ेगी क्योंकि इसका पंक्चर अगर हो गया फिर ख़त्म है ज़िंदगी। थैंक यू। स्टाफ भी बहुत अच्छा था और फूड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक उडुपी के ही थे सब लोग। आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर हम लोगों ने अब तक बुकिंग नहीं किया है। वी वर जस्ट चेकिंग फ्यू रेस्टोरेंट्स। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्टली जाकर वहाँ पर ढूंढते हैं, मिल जाएगा। वैसे भी वीकडे है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ आई थिंक विल रीच इन 1 hour 15 minutes। बट 10 बज गए। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी। जो हमने रूट सिलेक्ट किया था दैट वॉज फ्रॉम वेरना, मड़गांव और ऐसे करके हाईवे से टूवर्ड साउथ गोवा, दैट इज़ अगोंडा। वी आर थिंकिंग कि हम लोग थोड़ा अंदर से ज़्यादा, ये कोस्टल रूट होगा और ये जो छोटे छोटे बीचेस है यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। मतलब क्राउड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। यू कैन स्पेंड वेरी गुड टाइम ऑन दोज बीचेस और वहाँ पर फूड भी बहुत अच्छा है। टेकिंग राइट टर्न और हम लोग अभी थोड़ा गाँव से जाएंगे। सो वैसे ये रास्ता सिर्फ 4 मिनट ही स्लोअर दिखा रहा है देन वॉट एवर हाईवे रूट वी वर गोइंग टू टेक। ओके, सो हम लोग अभी कोलवा बीच वाले रोड से जा रहे हैं। पूरा रोड ऐसा ही है, बस बीच में कुछ छोटे छोटे गाँव है, बट मज़ा आएगा। यहाँ पे पूरी छाव मिल रही है हमें और उस साइड से तो पूरी धूप होती है और हम लोग एक्चुअली इरिटेट हो जाते हैं वो धूप में। यहीं से 3 Kings चर्च आता है, लाइक इट्स वन ऑफ द फेमस चर्च। बट उसकी एक मिथ भी है कि इट इज़ हॉन्टेड चर्च। तो गोवा में अगर आप किसी को भी पूछोगे वो बोले कि 6 बजे के वहाँ बाद में वहाँ पर मत जाना। वाओ, लोटस, वो भी रेड लोटस है। ये पूरे लेक में लोटस और उस साइड वाइट लोटसेस, लवली। ये रोड वैसे गांव से जाता है तो यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे बहुत सारे और हम बहुत ज़्यादा ओवरटेक नहीं कर सकते। सो यहाँ से ओसिलिम, मजोड़ा, कोलवा, ये सारे बीचेस अभी हमें लगेंगे। गोवा में अगर आप कभी लोकल से मिलते हो, स्पेशली एल्डर्स, या यहाँ पे कुछ बोर्ड्स पर भी लिखा हुआ है देव बरे करो। सो देव बरे करो मतलब गॉड ब्लेस यू इन कोंकणी। यहाँ से स्ट्रेट अगर गए तो वेरना है, राइट हैंड साइड में कोलवा है। बहुत बहुत ही अच्छा रोड है। गुड डिसीजन वी केम फ्रॉम इनसाइड। यहाँ से राइट टर्न लिया तो कोलवा बीच का रोड आएगा। पेट्रोल भर के हो गया। बीच के फुटेजेस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुए। आज गोप्रो बड़ा परेशान कर रहा है। लास्ट 30 मिनट से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। आई होप अभी ये वाली बैटरी सही होगी। गोप्रो ने कुछ करना चाहिए बाइकर्स के लिए, बैटरी ज़्यादा करो। अरे वाह, कैरी ये गांव से लेके जाएगा। सही है, यहाँ पे एटलीस्ट वो ट्रैफिक तो नहीं है। अगोंडा विलेज पंचायत वेलकम्स यू। अगोंडा भी छोटा सा ही विलेज है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। छोटे छोटे से घर है, वो भी बहुत डिस्टेंस पर है, बस 3 मिनट दूर है अभी। इट्स 11:44। अभी प्रॉपर गांव में से जा रहे हैं हम लोग। और ये रहा सामने समुंदर, नेवक जेस्ट। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट जेस्ट दिख गया। चलो अभी यहीं आना है। ये है ऑरेंज स्काई बीच हट। थोड़े ढूंढे हम लोगों ने रास्ते में लेकिन थोड़े महंगे थे।
अकोंडा पहुंच गए 1.5 घंटे में। मेन गोप्रो ने बहुत दिमाग ख़राब किया, बैटरी चेंज करो, फिर बीच में आ रहा था कि रिपेयर कार्ड रिपेयरिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पर आने के बाद में आई सर्च फॉर फ्यू रिसॉर्ट्स, लेकिन कुछ सही मिला नहीं, क्योंकि थोड़ा बीच साइड चाहिए था और मेन पार्किंग चाहिए था। यहाँ पर पार्किंग बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पर भी है। नाउ दिस इज़ ऑरेंज स्काई है, तो अभी यहीं पर स्टे करूँगी मैं 2 दिन के लिए, सो दिस इज़ गुड। और हट्स भी बहुत अच्छे हैं। मेन गाड़ी को पार्किंग मिल गया है ना, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, अभी जाकर विल गेट फ्रेश, थोड़ा रेस्ट करके खाना खाने जाना है और देन विल बी ऑन बीच इन द इवनिंग। यहाँ आजू बाजू घूमने के लिए अकोंडा फर्स्ट टाइम है, पालोलम घूमा है। बटरफ्लाई जा सकते हो आप, बाय रोड जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। हनीमून बीच है, डॉल्फिन की जगह दिखाते हैं। हाँ डॉल्फिन। शाम के लिए क्या एक्टिविटी? सनसेट और बीच, और क्या चाहिए? ठीक है ठीक है, शांति मिलती है यहाँ पर इसी के लिए। और कुछ मिले ना मिले, शांति जरूर मिलती है यहाँ पर। गोवा में आके रिसोर्ट के बजाय हट्स में रह के देखो। नहीं, सबसे अच्छी बात वॉशरूम एकदम क्लीन है, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एक बार एसी नहीं होगा तो चलेगा, बट वॉशरूम अच्छा चाहिए। दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल। जब भी मैं ऐसी जगहों पर आती हूँ ना, आई रियली फील दैट मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होने चाहिए। सुशांत तो साथ में ही है, देन सलमान, अर्जुन, मनील, लास्ट टाइम मंथन भी आया था। सो इट्स फन व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स। कभी ना कभी सारे दोस्तों के साथ मैं वापस आऊँगी यहाँ पर। मुझे एक और चीज़ का मन करता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ आने का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतना इन्जॉय करते हैं कोई भी जगह पर। अभी भी इनफैक्ट ये लोग नेपाल गए, दे आर एक्सप्लोरिंग नेपाल एंड आई एम इन गोवा। इट्स नाइस, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। यू गाइस शुड ऑल्सो प्लान विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अभी हम जा रहे हैं जेस्ट, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, फॉर लंच। सो ये मेरा फेवरेट कैफे है। आई थिंक अबाउट दिस आई एम ब्रैगिंग फ्रॉम सो मेनी डेज। यहाँ पे हर एक चीज़ टेस्टी मिलती है, इट्स वेज, वीगन। मैं पहली बार अकोंडा साइड में आ रही हूँ, अदरवाइज आई हैव बीन टू पालोलम। पालोलम बीच का जो वीडियो, उसमें आप देख सकते हो मैंने जेस्ट पालोलम में विजिट किया था, और अगर आप गोवा में आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, नाइदर इट वॉज अर्लियर। आई जस्ट जेन्यूनली लव फूड ऑफ दिस प्लेस। दिस इज पिंक स्मूदी बोल एंड इट लुक्स यम्मी। दिस इज़ कोकोनट चिया पुडिंग, और ये बहुत ही ब्यूटिफुल है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। स्मूदी बोल मैं हर बार खाती हूँ, दिस टाइम आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। देयर आर लॉट्स ऑफ कोकोनट एंड फ्रेश फूड। दिस इज हमस एवोकाडो सैंडविच, टू गुड। अब मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ, अब फिर बात करती हूँ। लंच इज़ डन। आज सब बिल्कुल टाइम पे हो गया, सब कुछ ऑन टाइम है। यही प्लान था, जल्दी पहुंचना है, लंच करना है। इवनिंग में कितने बजे? 4-5 बजे पानी में जाएंगे, आज समुंदर में जाना है। इट्स 4 in the evening और अभी शो यू व्यू ऑफ दिस बीच। लुक एट दिस, कितना प्यारा बीच है, कितनी अच्छी वेव्स हैं यहाँ पर। धूप भी कम हो गई। हाँ धूप भी, वो बादल आ गए ना इसलिए धूप कम हो गई। मैं अभी ज़्यादा देर कैमरा में बात नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू गो इन वाटर। कल नॉर्थ गोवा में भी नहीं गए हम लोग। नहीं पहली बार, इसलिए तो मैं एक्साइटेड हूँ पानी में जाने के लिए। यहाँ पर है सर्फिंग लेसन्स? हाँ यहाँ पे वो होटल वाला बंदा बोल रहा था, यहाँ पे एक बंदा बैठता है जो सर्फिंग सिखाता है। सर्फ बोर्ड दिख रहा है? सर्फ बोर्ड भी है। हाँ यार, मैंने पौंडीचेरी में ट्राई किया था, बिल्कुल कर नहीं पाई थी मैं कुछ, लेकिन मुझे सर्फिंग सीखना है। हाँ चलो कैमरा रख के आते हैं और गोप्रो अंदर लेके जाएंगे। बहुत देर तक बीच में पानी में मैं एंजॉय किया है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय कप ऑफ टी एट द बीच, और अभी ड्रोन उड़ाने का प्लान है। हवा थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी फिर भी है, बट मुझे एक फ़ोटो चाहिए।
अगर वो फोटो आ गया ना तो इंस्टाग्राम पे जरूर चेक करना। उस साइड में यहाँ से आगे जाने के लिए पालोलम बीच है। सो पालोलम बीच से दो तीन जगह है वेर यू कैन विजिट, बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच, ये सारी चीज़ें पालोलम साइड में है। अगोंडा में ज़्यादा कुछ साइट सीइंग नहीं है बट यहाँ पर पीस है। डॉग्स को इशू हो गए ड्रोन को देख कर। बहुत ही हसीन शाम मैंने बिताई है बीच पर, और अगोंडा बीच इज़ सो प्रिटी। पालोलम भी बहुत अच्छा है लेकिन अगोंडा बीच उससे भी ज़्यादा अच्छा है। साउथ गोवा हैज़ माई हार्ट, एवरीथिंग फील्स सो गुड हियर। यहाँ पे शांति है, भीड़ नहीं है, थोड़े से शैक्स है, यहाँ पर धीमी धीमी लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी प्लान ये है कि आई एम गोइंग टू गो एंड गेट रेडी एंड देन आई विल मूव आउट फॉर डिनर। शैक्स पे डिनर करने का प्लान है बट वो शायद कल करेंगे, आज नहीं। तो आरवी बीच पर भी समुंदर में जाने नहीं मिला था क्योंकि राइड का ही प्लान था, और आज पानी में जाके इतना मज़ा आ रहा है कि बस मैं तो अभी भी सोच रही हूँ कि वापस चली जाओ। मिट्टी में चली गई, बालों में मेरे सैंड चली गई, सब कुछ हो गया आज। अभी मुझे सुशांत को पूछते कैसा लगा। Yeah, I thought Pololam is the best beach in Goa, but I'll tell you, Agonda is the best. It's next beach. Level, next level hai ye to. If you are planning Goa and you want a peaceful place, so this is the best. So South Goa aao. Dekho, North Goa bura nahi hai. It's happening. It's really good. Lekin agar aapko shanti, sukoon chahiye na, come to South Goa. अगर आप अभी ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले 3 वीडियोस और बने ये सीरीज़ के, वो जाके ज़रूर देखना। हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है और बहुत ही यूनिक एक्टिविटीज़ है, कुछ अनसीन प्लेसेस, अनसीन गोवा। वेट, कल जिस हम रूट से जाएंगे वो हम कैसे जाने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अभी मत बताओ हम कैसे जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जो अभी बस आता ही होगा एक दो दिन में, तो ज़रूर देखना। आई एम रेडी फॉर द इवनिंग। बिल्कुल भीड़ नहीं है लेकिन सारे रेस्टोरेंट ओनर्स, शॉप ओनर्स ऐसे इंतज़ार में है कि कब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। गूगल मैप ने हमें दे दिया है धोखा, कहीं और ही पहुँचा दिया। आप लोगों को कभी गूगल मैप ने धोखा दिया है मुझे बताओ कमेंट में। दिस इज़ अ वेस्ट पाउच, ये बहुत हैंडी है। आई वॉज़ मिसिंग दिस बिकॉज बाइक के ऊपर छोटी मोटी चीज़ें मिलती नहीं है, फिर वो बैग में रखो, एंड आई एम नॉट दैट ग्रेट फैन ऑफ बैक पैक वेन आई एम राइडिंग। प्रेम, चलो प्रेम बाय। दीदी फुट लूज ना, फुट लूज ट्राई, ठीक है। डिनर इज रेडी, नाउ आई हैव माई डिनर। आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो इन्जॉय किया होगा जितना मैंने इन्जॉय किया यहाँ पर।
So this was day 4 and I would like to end this day on a very happy note. If you love this video, subscribe karna mat bhulna, share karo and tag me on Instagram. I'll be more than happy to connect with you. Instagram pe dekho, bahut sare photos dale maine aur kuch itne acche click mile. I hope you enjoyed drone shot kyunki wo I think aaj ka best part tha. So now I'll have my dinner and see you. Sushant, dinner kaisa hai? Just like evening. Just like evening. Amazing.